झेलम गुजरात आला। सरगोधा से 12 किलोमीटर दूर गढ़वाल रोड पे नॉर्थ मिठा टिवाना रेलवे स्टेशन। हमारे पास 10 ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। तो अब कराची के लिए 2 गाड़ियां जाती हैं और वही 2 वापस आती हैं। 2 गाड़ियां चल रही हैं कोरोना की वजह से, बाकी 8 पैसेंजर्स ट्रेन जो है वो बंद है। गांव था जिसका नाम था मिठा लाग, यहाँ से 6 किलोमीटर के फासले पे है वो मिठा लाग गाँव, उसकी मुनासबत के साथ इसका नाम रखा गया है मिठा लाग। इस स्टेशन पे अब कोई ट्रेन रुकती तो नहीं, अलबत्ता यहाँ से गाड़ियों की क्रॉसिंग किस तरह से होती है, गाड़ियाँ टोकन किस तरह से लेती हैं और किस तरह से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन बात होती है, वो हम अभी स्टेशन मास्टर साहब से इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। लेकिन इस स्टेशन को बड़ी खूबसूरती और महारत के साथ बनाया गया था, इसके चारों तरफ लकड़ी का काम किया गया था। कौशीफ अहमद बड़ाइज स्टेशन मास्टर मिठालक। तो इस स्टेशन पे तकरीबन 4 साल से मैं अपॉइंट होगी, कंट्रोल किया जाता है रोड ट्रैफिक को, इसी तरह रेलवे की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये सिग्नल इंस्ट्रूमेंट लगाए गए। ऐसे तो नहीं होता ना कि कोई गाड़ी है पटरी पे चढ़ गई और दौड़ती चली गई, उसको रोकने के लिए चलाने के लिए एक सिस्टम होता है, ये सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत हम रेलवे की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं कि इस स्टेशन पे ये आगे तक जा सकती है, इससे आगे जाने के लिए फिर इजाज़त लेनी पड़ती है। अब मैंने इजाज़त बरवाल को दी है, वो गाड़ी बरवाल से इधर तक फ्रीली आ सकती है, ये इंस्ट्रूमेंट ये काम करते हैं। अच्छा, ये फ़ोन कॉल आती कैसे आप कर भी सकते हैं? हाँ, ये टेलीफोन जो है ना, ये बरवाल स्टेशन के साथ मैंने बात की है, इस स्टेशन के साथ साथ ऑपरेट किया इंस्ट्रूमेंट को और साथ साथ उसके साथ स्टेशन मास्टर बरवाल के साथ मैंने बात की इस फोन। अच्छा, ये सिर्फ ये उन्हीं को कॉल जा सकती है? हाँ, ये डायरेक्ट स्टेशन मास्टर बरवाल के साथ ही रब्ता हो सकता है और कोई बंदा। और अगर आपने सरगोधा करना हो रब्ता तो फिर ये जो है हमारा ये बैटरी का सिस्टम जो है, टेलीफोन का सिस्टम जो है, इसको हमने इस तरफ घुमा दिया है, ये अब सरगोधा के साथ कंटेक्ट हो गया, सरगोधा स्टेशन मास्टर के साथ बात हो गई है। पहले तो कहते सन इंटरलाक मिस्त्री यही है, लेकिन शहनाबाद तो लैके खुला रवान तक पहले मैं मंडी रोड पुल भी काम किया है। सरगोधे ये जो इस तरफ लीवर है ना जी, ये हमारा सरगोधे जाने के लिए गाड़ी है जी, और उसके साथ जो है वो लीवर नंबर 2 जो है वो गाड़ी लेने के लिए बलवाल से, उसके साथ जो 3 नंबर लीवर है वो सरगोधे से गाड़ी लेने के लिए है, और ये जो है गाड़ी 4 नंबर लीवर, ये गाड़ी मिठा लाग से सरगोधा जाने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट भी 1905 में इस रेलवे स्टेशन पर रखा गया था। इससे किस तरह से काम लिया जाता है वो हम स्टेशन मास्टर साहब से जानेंगे। इंस्ट्रूमेंट के इशारे है ना सिस्टम, ये हमें बताता है इसमें अथॉरिटी के लिए वो जो लाइन क्लियर होते हैं वो अब कम है या ज्यादा है या जो भी है जी।
अच्छा ये कितने, ये उसी इंग्लिश दौर का ये सिस्टम लगा हुआ है ये इधर। और ये क्या चीज़ है? ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये सारा मुकम्मल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ से वो अथॉरिटी जो है निकलती है इस तरफ से, अंदर से होकर जो जो हम ऑपरेट करेंगे फिर वहाँ, यहाँ से एक टोकन निकलता है। अच्छा, ये उसका रास्ता है जी। टोकन है इस वक्त? हाँ टोकन तो है। अच्छा वो दिखा सकते हैं? वो ऐसे नहीं निकलेगा वो, अब मैं ऑपरेट करता हूँ यहाँ से, ये आपको नज़र आ रहा है इसमें टोकन जी? हाँ ये है टोकन। अच्छा अभी भी पूरी दुनिया में यही निज़ाम है या इससे जदीद आगे है? नहीं वो अब तो कंप्यूटराइज, टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम आगे हैं, पाकिस्तान में भी वो चल रहा है सिस्टम। ये वो टोकन था जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर था, अभी ये बाहर आ गया है। इसे पैक किया, इस तरह पैक किया ऐसे, ये पैक हो गया। अब इसको ऑपरेटर्स में लगाना है। लो जी ऑपरेटर्स में लगाओ इसे। ये स्टार्टर सिग्नल डाउन करने की चाबी है, इसके साथ स्टार्टर सिग्नल डाउन करते हैं फिर गाड़ी चलती है आगे। टोकन को लेदर के बॉक्स में बंद करके अब इस ऑपरेटर्स में लगा दिया जाएगा। अब ये शख्स यहाँ खड़ा रहेगा जब तक गाड़ी नहीं आती, और गाड़ी के इंजन के साथ ही एक राड लगा होगा, अगर ये टोकन नीचे गिर गया तो गाड़ी रुक जाएगी और ये शख्स भाग के ये टोकन उनको देगा, तब गाड़ी आगे जाएगी, वरना गाड़ी आगे नहीं जा सकती। एक सौ 115 साल पहले इस कांटे को यहाँ रखा गया था। इससे सामान की पैमाइश की जाती थी और 2012 के बाद ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। एक सौ 115 साल बाद भी ये आज भी बिल्कुल सही काम करता है। इस स्टेशन की इमारत दूसरे स्टेशनों की इमारतों से बड़ी मुख्तलिफ है। इसके ऊपर लोहे की चादरें लगाई गई थीं और इसके साइडों पे लकड़ी की खूबसूरत जालियां बनाकर दीवारों की जगह लगाई गई थी। मेरा नाम समीउल अपॉइंटमेंट मिठाला के, मैं पॉइंटमैन मिठाला पोस्ट हुआ हूँ तकरीबन 8.5 साल से। इधर पोस्टिंग है मेरी और मेरा काम है कि इधर ये जो सिग्नल वगैरह और कांटे वगैरह का है। और इधर तकरीबन पहले तो 10 से 12 गाड़ियाँ थी, अब कोरोना की वजह से तकरीबन इधर हमारे पास 2 दिन में गाड़ियाँ हैं और 2 नाइट में गाड़ियाँ हैं। तो बकाया हुकूमत जैसे जैसे चलाएगी, हमने वर्किंग करनी है, हमारी ड्यूटी 12 घंटे है और 12 घंटे में तकरीबन अपने मैनेजमेंट करते हैं जैसे भी है। मैं तो इसमें हम मट्टी का तेल डालकर एक दिए में वो इधर रखते थे, तो वो रात को फिर जलता रहता था। वो उसमें बाकायदा जैसे पुरानी तेल वाली लालटेनें होती हैं उस किस्म का ये था। तो अब इसको मॉडिफाइड करके
इसमें ये लाइटें लग गई हैं, वो एलडी लाइट्स टाइप बैटरी की लगा दी गई है। ये देख रहे हैं अब आप, इसमें ये ग्रीन लाइट है, ये बंद हो गई। इसके बाद ये रेड लाइट जल गई है, ये बंद हो गई। ये वाइट लाइट चल गई है। ये तीन ही लाइटें हमारे काम आती हैं शंट ऑपरेशन के लिए या रेलवे यूज़ के लिए। तीन लाइटें काम में आती हैं, सफ़ेद, सुरख और ये सबज। ये आपने देखी है, ये सिग्नल है। ये सिग्नल हम रात को उधर सिग्नल्स में ये बत्तियां रखते हैं और ये जलती हैं रात को। इनमें मट्टी का तेल इस्तेमाल होता है। ये गेट के सिग्नल है बड़े बड़े, ये जब रोड ट्रैफिक के जो गेट है ना हमारे, उनमें ये सिग्नल लगते हैं रात को। ये डेंजर पोजीशन में होते हैं, सुरख नज़र आते हैं रोड ट्रैफिक को। और जब गाड़ी आती है तो ये रोड के लिए वार्न करते हैं कि अब गेट बंद है। तो ये हमारा जो सेफ्टी के लिए आलात है, अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, गेट ख़राब हो जाए, तो ये सिग्नल, ये जो हमारे पास ये चेन है, इसके साथ हम वो गेट की जगह बंद कर देते हैं। जब कोई कांटा ख़राब हो जाए तो उसको सिक्योर करने के लिए ये होता है, उसको हम लॉक करके, जैसे जैक होता है, जैक की तरह का होता है। मोहम्मद यूसुफ पहले शहीनाबाद रहे थे, उत्थ बदली होकर फिर इतने आए थे। इतने तकरीबन बदली फिर हुई है तो फिर लाले मुँह से चला गया। उत्थू मैंने 2.5 साल हो गए इतने आया। कदों तक कर रहे नौकरी? नौकरी आज तो मैं 40 साल 82 दमा कर रहे सारे, सन 82 के बच्चे 38 साल साहब मेरी नौकरी हो गई है। तो इस वास्ते 24.5 घंटे की नौकरी इंटरलाक आया शहीनाबाद तू हाँ। तो असियाँ कैलेंडर इंटरलाक के कैलेंडर साढ़ा रेंज ही है शहीनाबाद तो लाका लाला मूसा सर उदी चली सा तो सब दा गया के सर। तो असी सरगोद अपना कम शम करके जा रहे। स्टेशन के बाहर जो डायग्राम है ना, ये ट्रैक, ये यार्ड, स्टेशन यार्ड जिस पे हमारी ये गाड़ियाँ चलती हैं, ये लाइनें हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, इसमें ये आगे से दूसरी लाइन निकलती है। फिर इस पे ये जो सिग्नल की अटैचमेंट है, बाहर सिग्नल लगे हुए, ये सारी उनका डायग्राम है। ये हमारा शेड है, गुड्स शेड पुराना था, उसका भी नक्शा है। ये इस बॉक्स में बंद रहती हैं तो ताला लगा कर रखता है स्टेशन मास्टर के, ताकि मिस यूज़ ना हो स्टेशन मास्टर की इजाज़त के। जिस टाइम स्टीम पावर के साथ गाड़ियां चलती थी तो सन 1905 में ये स्टेशन बना। फिर सरगोधा जाने के लिए यही पहले स्टॉपेज स्टेशन था, तो गाड़ियां चलती रही, लोग इसी, लोगों का शहर से आने जाने का तरीका यही था। इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं था, क्योंकि अब रोड साइड बन गई हैं, बड़ी रोडें हैं, इसलिए मुसाफिरों का रश ख़त्म हो गया रेलवे की तरफ। तो सन 2012 में ये इस स्टेशन को मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया गया। तो अब गाड़ियां क्रॉस पर्पज के लिए यहां रुकती हैं, अदरवाइज थ्रू ही जाती हैं। ये इसे कहते हैं नेट, जाल कहते हैं इसको। ये टोकन हमारी गाड़ी ड्राइवर जो लेकर आ रहा है वो इसमें फेंकेगा ताकि ये मिसप्लेस ना हो सके। तो अब गाड़ी आएगी तो वो आप चेक कर लेंगे वो कैसे इसमें फेंकता है। और इसके अलावा वो हमारा सामने ऑपरेटर है, उसमें